Hi friends, in this episode we are going to see a three-phase transformer numerical 2. It is very important numerical. A three-phase step-down transformer is connected to 6.6 kV mains. Matlab ye 6.6 kV kya hai? Primary winding ka voltage hai. And takes 10 ampere. To ye primary winding ka current hai. Line voltage, line current. Calculate line voltage, line current, phase voltage and phase current of secondary. If ratio of turns per phase is 12. तो देखो given हमें क्या-क्या दिया है, ये पहले मैं लिख लेता हूँ. हमें दिया है VL1, line voltage for primary winding हमें दिया है 6.6 kV, that is 6600 volt. And 10 ampere दिया है, मतलब ये line current है IL1, जो हमें दिया है 10 ampere, primary का line current. और हमें क्या calculate करना है, VL2, IL2, फिर V2 per phase and I2 per phase. मतलब line voltage, phase current of secondary winding. हमें calculate करना है. और हमें क्या दिया है? Ratio of turns per phase. तो turns per phase का ratio मतलब N1 per phase divided by N2 per phase. हमें दिया है 12. ये सब given है. और हमें क्या कैलकुलेट करना है सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज लाइन करंट फेज वोल्टेज फेज करंट. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए प्राइमरी का वोल्टेज हमें दिया है, लेकिन कनेक्शन दिया है क्या कि ये डेल्टा स्टार है, डेल्टा डेल्टा है, या फिर स्टार स्टार है, स्टार डेल्टा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है. तो हमें एक एक कनेक्शन के लिए अलग अलग आएगा सेकेंडरी वोल्टेज फेज करंट अलग अलग आएगा सेकेंडरी के लिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, मतलब प्राइमरी भी डेल्टा में होगी और सेकेंडरी भी डेल्टा में होगी. इस केस में क्या आता है सेकेंडरी के वोल्टेजेस और करंट्स, ये पहले हम देखते हैं. ठीक है, तो देखो इन डेल्टा डेल्टा में क्या होता है, हमें पता है डेल्टा में लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज दोनों इक्वल होते हैं, एंड लाइन करंट आई एल वो होता है रूट थ्री टाइम्स फेज करंट. ये हमें पता है डेल्टा में. ठीक है, तो हमें डेल्टा डेल्टा के लिए पहले निकालना है. तो प्राइमरी के लिए पहले निकाल लो. देखो प्राइमरी के लिए हमारे पास है वोल्टेज VL1, लाइन वोल्टेज VL1 हमें दिया है 6.6 kV, दैट इज 6600 वोल्ट. तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज है, तो V1 पर फेज ये भी आएगा हमारा 6600 वोल्ट. मतलब जो VL1 है वही हमारा V1 पर फेज आएगा. अभी करंट डिफरेंट रहता है, तो करंट IL1 हमें दिया है 10 एम्पियर, बराबर है. तो IL1 क्या रहेगा, रूट थ्री टाइम्स फेज करंट I1 पर फेज. तो I1 पर फेज क्या आएगा, IL1 बाय रूट थ्री, दैट इज 10 बाय रूट थ्री, विच इज इक्वल टू 5.773 एम्पियर. यह आएगा आपका I1 पर फेज. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, लाइन वोल्टेज फॉर प्राइमरी, फिर लाइन करंट फॉर प्राइमरी जो दिया ही था, फिर फेज वोल्टेज फॉर प्राइमरी एंड फेज करंट फॉर प्राइमरी. ये चारों हमने प्राइमरी के लिए निकाले. अभी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हेल्प से आप ले सकते हैं कि आप सेकेंडरी का वोल्टेज क्या रहेगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो हमें दिया है N1 पर फेज डिवाइडेड बाय N2 पर फेज इज इक्वल्स टू 12. ये हमें दिया है, बराबर है. और हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2 पर फेज डिवाइडेड बाय N1 पर फेज रहता है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू V2 पर फेज डिवाइडेड बाय V1 पर फेज. ठीक है, तो देखो N2 पर फेज डिवाइडेड बाय N1 पर फेज आएगा 1 बाय 12, इसका रेसिप्रोकल 1 बाय 12. और V2 पर फेज हमें निकालना है, इसीलिए मैं वैसा ही रखता हूँ. और V1 पर फेज हमने निकाला है, जो लाइन वोल्टेज था वही फेज वोल्टेज था डेल्टा में, तो वो आ गया 6600. तो देखो V2 पर फेज कितना आता है, V2 पर फेज 550 वोल्ट. तो देखो 550 वोल्ट आपका आंसर आया V2 पर फेज.
और वी टू पर फेस इज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज वी एल टू फॉर सेकेंडरी अल्सो, बिकॉज सेकेंडरी इज अल्सो कनेक्टेड इन डेल्टा एंड इन डेल्टा बोथ वोल्टेजेस लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेजेस आर सेम। तो ये भी आ गया आपका 550 वोल्ट। अभी आपको कैलकुलेट करना है फेज करंट फॉर सेकेंडरी एंड लाइन करंट फॉर सेकेंडरी, ठीक है। तो देखो हमारे पास स्पेस कमी है, इसीलिए मैं इतना पार्ट अभी रफ कर देता हूँ। ये हमने निकाला ही है, अभी करंट हमें निकालना है, ठीक है। तो करंट आप कैसे निकालेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें क्या बताता है? एन टू पर फेज डिवाइडेड बाय एन वन पर फेज इज अल्सो इक्वल टू आई वन पर फेज डिवाइडेड बाय आई टू पर फेज अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड निगलेक्ट लॉसेस। तो एन टू बाय एन वन फिर से आएगा 1/12 एंड आई वन पर फेज हमने निकाला है 5.773 एम्पियर, तो हमें आई टू पर फेज मिल जाएगा। तो आई टू पर फेज आया आपका 69.276 एम्पियर, ठीक है। यह आया आपका आई टू पर फेज। तो अभी लाइन करंट आई एल टू आपको आप निकाल सकते हैं आसानी से, डेल्टा में वो होता है आई एल इक्वल टू √3 आई पी एच। तो √3 टाइम्स ये 69.276 ये आपका आएगा लाइन करंट फॉर सेकेंडरी, जो आ रहा है 119.98 एम्पियर विच इज़ इक्वल्स टू 120 एम्पियर। तो ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए हमने लाइन वोल्टेज लाइन करंट फेज वोल्टेज फेज करंट फॉर सेकेंडरी ऐसे निकाला। अभी निकाल सकते हैं हम स्टार स्टार कनेक्शन के लिए, अगर कनेक्शन स्टार स्टार होगा तो कैसे होगा। देखो स्टार में हमें पता है इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम वी एल इज इक्वल्स टू √3 वी पी एच, दोनों वोल्टेजेस डिफरेंट रहते हैं और दोनों करंट जो लाइन करंट होता है वही फेज करंट रहता है, ऐसा स्टार में होता है, बराबर है। तो हमारे पास है अभी वी एल वन 6.6 के वी, दैट इज लाइन वोल्टेज फॉर प्राइमरी वाइंडिंग। तो फेज वोल्टेज वी वन पर फेज क्या आएगा? √3 टाइम्स, सॉरी वी एल वन बाय √3, बराबर है, क्योंकि वी एल वन इज इक्वल टू √3 टाइम्स वी वन पर फेज। तो वी एल वन है हमारे पास 6600 डिवाइडेड बाय √3। तो वी वन पर फेज हमारा आ रहा है 3810.51 वोल्ट, ठीक है। अभी वोल्टेजेस हमने निकाले, करंट है आई एल वन लाइन करंट फॉर प्राइमरी दिया है 10 एम्पियर, वही फेज करंट रहेगा आई वन पर फेज, बिकॉज स्टार कनेक्टेड सिस्टम है ये, प्राइमरी में स्टार है तो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम रहते। तो ये वी वन पर फेज वी एल वन लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज लाइन करंट और फेज करंट फॉर प्राइमरी हमने पहले निकाल लिया। अभी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें क्या बताता है? एन टू पर फेज डिवाइडेड बाय एन वन पर फेज इज इक्वल्स टू वी टू पर फेज डिवाइडेड बाय वी वन पर फेज। तो एन टू बाय एन वन क्या होगा फिर? 1/12 और वी टू पर फेज हमें निकालना है और वी वन पर फेज हमने निकाल लिया है 3810.51। तो देखो वी टू पर फेज क्या आता है आपका? वी टू पर फेज सेकेंडरी वोल्टेज पर फेज 317.54 वोल्ट। फिर से हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एन टू पर फेज डिवाइडेड बाय एन वन पर फेज इज इक्वल्स टू आई वन पर फेज डिवाइडेड बाय आई टू पर फेज। तो ये 1/12 आई वन पर फेज हमें निकालना है और आई टू पर फेज हमने निकाल लिया है पहले से ही, जो है सॉरी हमने हमें आई टू पर फेज निकालना है अभी, और आई वन पर फेज हमने निकाल लिया है 10 एम्पियर। तो आई टू पर फेज क्या आएगा फिर? 120 एम्पियर। और जो आई टू पर फेज आया 120 एम्पियर, अभी हमने पर फेज निकाला वी टू मतलब सेकेंडरी वोल्टेज पर फेज सेकेंडरी करंट पर फेज। अभी लाइन वोल्टेज निकालेंगे, तो लाइन वोल्टेज इन सेकेंडरी क्या आएगा? वी एल टू इज इक्वल्स टू √3 वी टू पर फेज,
बराबर है, क्योंकि स्टार कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज, तो रूट थ्री टाइम्स 317.54, तो यह आ गया आपका अगेन 550 वोल्ट लाइन वोल्टेज इन सेकेंडरी 550 वोल्ट। और लाइन करंट जो होता है आई एल टू वो इक्वल रहेगा आई टू पर फेस के, क्योंकि स्टार कनेक्शन में करंट्स इक्वल रहते, तो ये हो गया आपका फिर से 120 एम्पियर। तो ये था स्टार स्टार कनेक्शन के लिए। अभी निकालते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए। तो देखो डेल्टा में क्या होता है, दोनों वोल्टेजेस सेम रहते, लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज, बराबर है, लेकिन लाइन करंट क्या रहता है, रूट थ्री टाइम्स फेज करंट। और स्टार में हमने पहले ही देखा है कि दोनों वोल्टेज सेम नहीं रहते, लाइन वोल्टेज रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज होता है और लाइन करंट इज इक्वल्स टू फेज करंट होता है, यह हमेशा याद में रखो, डेल्टा स्टार कनेक्शन है। अभी देखो हमारे पास है VL1, लाइन वोल्टेज फॉर प्राइमरी 6600 वोल्ट, और प्राइमरी कैसी है, डेल्टा में है, तो जो VL1 रहेगा वही V1 पर फेज रहेगा, जो हो जाएगा आपका 6600 वोल्ट। लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज इन डेल्टा, तो 6600 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि लाइन वोल्टेज 6600 है, तो V1 पर फेज भी वही आएगा। और IL1 हमें दिया है 10 एम्पियर, तो I1 पर फेज क्या आएगा, IL1 बाय रूट थ्री, क्योंकि करंट्स डिफरेंट रहते, लाइन करंट को रूट थ्री से डिवाइड करो, तो ये आएगा I1 पर फेज, जो आता है 5.773 एम्पियर, तो ये आया आपका I1 पर फेज। और ये था लाइन करंट, ये फेज करंट फॉर प्राइमरी। अभी इस्तेमाल करो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, N2 पर फेज डिवाइडेड बाय N1 पर फेज इज इक्वल टू V2 पर फेज डिवाइडेड बाय V1 पर फेज। तो N2 बाय N1 1/12, और V2 पर फेज हमें निकालना है, और V1 पर फेज हमने निकाल लिया है 6600, जो लाइन वोल्टेज था वही फेज वोल्टेज था डेल्टा में, तो V1 पर फेज 6600, तो V2 पर फेज आपका आ रहा है अगेन 550 वोल्ट। और जो V2 पर फेज आ रहा है 550 वोल्ट, तो हमें निकालना है सेकेंडरी का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, तो VL2 क्या रहेगा, रूट थ्री टाइम्स V2 पर फेज, क्योंकि सेकेंडरी हमारी स्टार में, और स्टार में वोल्टेजेस डिफरेंट रहते, लाइन वोल्टेज रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज रहता है, तो रूट थ्री टाइम्स 550 यह आपका हो गया लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज आपका आ रहा है 952.62 वोल्ट, ठीक है। अभी फिर से आप इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब N2 पर फेज डिवाइडेड बाय N1 पर फेज 1/12, और I1 पर फेज डिवाइडेड बाय I2 पर फेज के इक्वल रहेगा वो, तो 1/12 इज इक्वल्स टू I1 पर फेज आपने निकाला था 5.773 डिवाइडेड बाय I2 पर फेज, तो I2 पर फेज आपका आया 69.28 एम्पियर, और वही आपका रहेगा IL2। I2 पर फेज जो है लाइन फेज फेज करंट, वही आपका लाइन करंट होगा, स्टार में करंट सेम रहते, तो ये 69.28 यही आएगा लाइन करंट, ठीक है। अभी आपको होमवर्क है कि आप स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए निकालो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट क्या रहेगा स्टार डेल्टा के लिए। तो ये आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, VL2 317.5 वोल्ट एंड IL2 207.85 एम्पियर। थैंक यू।